अनुभव चाहिए तो अनुभव में जाना पड़ेगा। अरे भाई, एक सड़े से रसगुल्ले को खाने के लिए जबान पर रखना पड़ता है कि नहीं रखना पड़ता? अरे बताओ, तो उसकी चर्चा करने से रसगुल्ला का अनुभव हो जाएगा? एक छोटा सा रसगुल्ला का स्वाद लेना है अरविंद जी, आपके घर में 10 सदस्य हैं, आप 10वें हो समझ लो, 10 सदस्य, 9 ने रसगुल्ला खा लिया तुम्हें स्वाद आ जाएगा? अच्छा चलो, 9 ने खा लिया अलग बात, अभी घर में 10 किलो रसगुल्ले रखे तुम्हें स्वाद आ जाएगा? चलो छोड़ो, तुमसे रसगुल्ला की दिन भर चर्चा करेंगे, रसगुल्ले का स्वाद आ जाएगा क्या? नहीं है, जानते हो ना। और अगर मैं ऐसा तुम्हारे साथ व्यवहार करूं तुम्हें कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना, कि पागल समझ रखा है क्या? अरे भाई, 10 किलो रसगुल्ले रखे, 2 प्लेट में दे दे क्यों नहीं, कि नहीं चर्चा सुनो, रसगुल्ला जैसा महान तत्व दुनिया में हुआ नहीं। अरे तो खाने तो दो, खाने वाने की बात में करेंगे बात, ऐसा तुम्हारे साथ व्यवहार किया जाए तो क्या होगा, लड़ाई झगड़ा करोगे। लेकिन आत्मा के बारे में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करते, जब से पैदा हुए तब से 4 गति में घुमाए जा रहे सब, हल में है ना, मरोगे, नरक जाओगे, पाप करोगे, ये करोगे, तुम्हारा जीवन ऐसे जा रहा है, तुम्हारा जरिए भैया मेरे सुन तो लिया जैसा जा रहा है, अब ये तो बताओ कि करना क्या है, अनुभव कैसे हो, कैसा प्रश्न इसलिए नहीं करते कि हमें खुद नहीं चाहिए अनुभव, रसगुल्ला तो खाना है, तो कहते बकवास बंद करो, रसगुल्ला तो ख्याल में है कि नहीं है। ऐसा आत्मा का अनुभव चाहिए होता तो तुम ऐसे विद्वान के पास जाते, कहते साहब अनुभव चाहिए, हमें नहीं चाहिए, हम तो अनुभव की बात सुनेंगे, हमें नहीं सुनना इधर उधर की बात, हमें नहीं सुननी कहानी किससे। अब रामचंद्र जी को कैसे पैदा गए, वो रामचंद्र जी जाने, हमारा क्या मतलब रामचंद्र जी है, अब उनकी सीता भग गई हो, पेड़ पत्तों से पूछ रहे होंगे, अब उनका हो गया होगा सिस्टम, हम क्या कर सकते। लेकिन हम दूसरों की कहानियां सुन सुन के कब तक अपने को खुश करते रहेंगे? हमारी खुद की कहानी क्या है, हमारा खुद का अनुभव क्या है, हमारे पास खुद का क्या है? जब तक हमारा अनुभव हमारे पास नहीं होगा, तब तक हमारे खाते में 1 रुपया जमा नहीं होगा।